अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही अमेजिंग होम रेमेडी। ये रेमेडी स्पेशल बेसन से बनी हुई है और ये स्पेशल उन लोगों के लिए है जिनकी एक्नी प्रोन स्किन है, लेकिन नॉर्मल स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन वाले लोग भी इस होम रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें बेसन चाहिए। तो सबसे पहले हम 1 टीस्पून बेसन लेंगे। उसके बाद इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दें, बस बहुत थोड़ी सी हल्दी ऐड करनी है इसमें। और अगर आपको सूट करती है तो आप इसके अंदर थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी भी ऐड कर सकती हैं। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो इसलिए मैं इसके अंदर थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी भी ऐड करूँगी। इसके अंदर थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड कर लें। और अच्छे से इसको मिक्स कर लें। थोड़ा सा रोज़ वाटर और डालना पड़ेगा। अगर तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप इसको हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर यूज़ करें, और अगर आपकी स्किन नॉर्मल या फिर कॉम्बिनेशन है तो आप इसमें ग्लिसरीन भी ऐड कर सकते हैं और हफ्ते में 1 या 2 बार इसको ज़रूर यूज़ करें। अगर तो आपको बहुत ज़्यादा एक्नी होती है तो एक्नी के लिए आप सोप का यूज़ बिल्कुल ना करें, सिर्फ बेसन का यूज़ करें तो आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। ये हमारा फेस पैक रेडी हो गया है। आप इसको अपने फेस पे अप्लाई करें। जब आप इसको फेस पे अप्लाई करें तो ये बात ज़रूर याद रखें कि आपने इसको अपनी गर्दन पे भी अप्लाई करना है, और अपने हैंड्स पे जब अप्लाई करें तो बाजुओं पे भी अप्लाई करें। इसके बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। इससे स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग हो जाएगी। और अगर तो आपको एक्नी होती है तो इंशाल्लाह एक्नी भी आपकी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। मैं ये नहीं कहती कि आप इसको एक बार यूज़ करेंगे तो एक बार यूज़ करने के बाद ही आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कम से कम हफ्ते में आप इसको 3 बार यूज़ करें, और अगर आप 1 मंथ कंटिन्यूसली यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। अब हमारा फेस पैक रेडी है, आप इसको अपनी फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, और 10 से 15 मिनट के बाद आप फेस वॉश कर लें तो आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये था मेरा बेसन फेस पैक। अगर तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।